शुमारी करदा मैं गली चो लंघिया निक्के जिहे छतड़े चो कोई खंघिया झात मार जदो मैं अंदर लंघिया ओने मेरे कोलों फिर पानी मंगिया निक्की जी तौड़ी गलास बाटी ते शाबा सी अलानी जी मंजी ते पिया 80 साला बाबा सी तौड़ी चो पानी मैं गलास च पा लिया फड़ के गलास बाबे मुंह नू ला लिया पहचानिया नी शेरा केड़ा तू पाई होए किथे ने घर केड़े पिंड दा गराई होए मैं कहा बजुर्गो तुहाडे पिंड च मास्टर सरकारी आ लाई मेरी ड्यूटी करदा मर्दम शुमारी आ तुहाडा मैं सारा करवार लिखना है किन्ने ओ मेंबर तुसी पूरा परिवार लिखना है सुन के ए मध्यम अखां दे विच पानी आ गया जांदा जांदा हंजू बाबे नूं रवा गया हौसला जा कर फिर बाबा बोलिया जिंदगी दा उहने फिर राज खोलिया चार पुत पंज पोते वड्डा परिवार सी किसे वेले शेरा मैं नथा सिंह सरदार सी मिट्टी नाल मिट्टी होके करिया कमाइया होए पैरां विच देख शेरा पाटियां व्याईया होए कम कर कर हत्थां दियां मिटियां लकीरां होए पुत पोतियां लई बना दित्तियां जंगीरां होए गोडे मोडे फिर मेरे दे गए जवाब सी पुत मेरे लगे उदों करना हिसाब सी खेत कर संद पैड़ा सब दा हिस्सा पै गया पर तेरा ए बाबा शेरा अणवंडिया ही रह गया जीवन साथण भी मेरी छड अध विचकार गई थोड़ा चिर होया पुत्ता स्वर्ग सुधार गई जे मैं गड्डे जोड़े अज गड्डियां च बैंदे ने साडे बुढ़े ने की कीता है अजे लोकां कोले कहिंदे ने कोठियां चो निकल मंजा बागल च डह गया नथा सिंह सरदार होए हुण नथू बुढ़ा रह गया लोको लज्जो डरदियां एक दूजे दी गल मन लई महीना महीना सामने दी चारां ने बारी बन लई 30 ते 31 दिनां दा शेरा फिर पंगा पै गया मार्च मई वाले कहिंदे बुढ़ा एक दिन वध रह गया जा एक गल कन्नी पा दे अपनी तू सरकार दे हर बाजी दे जेतू हुंदे जेड़े औलाद हथों हार दे तुसी कहने आ तरक्की असी कर ली ओए क्यों एक गल भुल दे ये तरक्कियां ने लोको खा दियां जिथे बागबान रुल दे मैनू माफ करी मेरे पुत्रा मैं ता जज्बाती हो गया तू भरने सी फार्म दे खाने मैं तो खपने ही रो गया चैल उठ खड़ा बेबस होके अखा चो खारा पानी बह गया पिन डिग पिया हाथ विचो मेरे फार्म भी खाली रह गया बुजुर्ग हुंदे ने घरां दियां रौनकां ना रौनकां घटायो सोहणियो ये माली ने बूटे लाउण वाले धुप्पे ना बिठायो सोहणियो धुप्पे ना बिठायो सोहणियो धुप्पे ना बिठायो 2 साल बाद करो जाना पिया बार सी चंडीगढ़ मेरा एक लग्या सेमिनार सी घुमदा सी फिरदा मैं जिदे एतबार सी पार्क च बैठा बाबा बड़ी जांदा अखबार सी चेते आ गई मैनू एक गल पुरानी सी शकल ता ए लगदी मैनू जानी पहचानी सी चिट्टे कपड़े पाए सोहनी बन्नी दस्तार सी ए तां उहो बाबा नथा सिंह सरदार सी कोल जाके बुलाई मैं सत श्री अकाल सी उन्हां ने भी मेरे वल कीता ख्याल सी मत्थे उत्ते हाथ रख कड्डी उन्हां सियाण सी फेर बाबा जी ने मैनू लिया पहचान सी मैं बाबा जी नूं पुछया इक्को सवाल जी कि पिंडो तुसीं चंडीगढ़ आए किहदे नाल जी पुत पोतियां दी शेरा तैनूं दसी सी कहानी मैं भुल गया दसणी अपनी एक धी राणी मैं पिंड जदों गई देखिया उरे ते परे है छोटा पोता कहिंदा भूआ बापू तां बाहरले घरे है
ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਉਹ ਜਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹੀਓ ਧੀਏ ਵੱਢਤਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧੀਏ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੁਣਿਆ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਹਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਪ ਜੀ ਨਾ ਧੀਏ ਨਾ ਮੇਣਾ ਵੱਜੂਗਾ ਨੀ ਜੱਗਦਾ ਧੀਰੇ ਵਾਰ ਬਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੁੱਤ ਜੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾ ਧੀ ਨੇ ਕਾਰ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਸ਼ੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੰਗੀ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਸੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਹੌਲਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਓ ਨਾ ਕੁੱਖਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਲਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਓਏ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਓਏ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਓ ਸਤਿਕਾਰ ਓਏ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਓਏ।